ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ अच्छा तो नहीं तो पता होएगा सहज कि वो किस डिपार्टमेंट नहीं काम करती है ओ एक्चुअली उन्हें सिविल कपड़े पाए हुए सी तो मैंने नहीं पता उन्हें मिंटी नू मेरे कोल छड्या ते चली गई साड़ी कोई गल नहीं हुई क्यों तेरे कोल क्यों छड्या उन्हें मिंटी नू मेरे कोल क्यों नहीं छड्या और मेरे सामने क्यों नहीं आती मैं मिंटी की मदर हाँ ना मिंटी बारी उन्हें मेरे नाल गल करनी चाहिए मैनू मिलना चाहिए ना हमेशा तेरे नाल क्यों गल करती है सहज तेरे कोल फोन नंबर तो होएगा ही उहदा कॉल हर मेरे कोल नंबर किवें होएगा मैं थानू पहला भी कहा कि मैं उन्हें सिर्फ एक बारी मिली हूँ पर मैं समझ नहीं आ रहा कि तुसी ये गल्ला मेरे तो क्यों पूछ रहे हो अपनी फैमिली तो पूछो मेरी फैमिली तो मतलब आई मीन टू से मल्होत्रा से कनैक्शन तो हर जगह ने उन्होंने ज़्यादा पता होएगा की पता थोड़ी फैमिली चो किसी को नंबर भी मिल जाए नहीं साड़ी फैमिली किसी को भी नंबर नहीं हैगा एनीवेज तू जा जी मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया मैं सहज तो ये सब कुछ क्यों पूछ रही हूँ बल्कि इन्फॉर्मेशन तो मैंने विक्रम को भी मिल सकती है विक्रम भी तो मिले है ना वीरा ने विक्रम 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 तीनू बोल ही ना देवे मेरे बारे मैं वॉन तो किया पर कितने अपना मुँह खोल ही ना देवे हाँ जी दी बुलाया तुसी मैंने विक्रम तो इंटरोगेशन के टाइम ते वीरा नू मिलिया सी ना किवें दिखती है वो महर तेरे तो फोन ते गल करन वाली कुड़ी बारे बारे चल जे उन्हें मेरे बारे कुछ भी पता लग गया ना तो समझ जा तू अपनी कवर आप खोदी। Say something, Vikram. I'm asking you something. तुसी अचानक ये सब क्यों? सवाल दे बदले सवाल नहीं जवाब दें देने। जिहू जी कुड़ियाँ दिस दी दीदी, उस तरह ही दिस दी होएगी। अब उन मैं तनु किमें समझा दी? एज किन्हीं को होएगी उदी? एज वही मेरी एज दे आसपास हो सकता है मेरे कोले दी भी कुड़ी होवे ये सब क्यों बोल रहे हैं किते दीनू मेरे बारे दास्ता नहीं देगा ये रियली इतने कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है मैं तो सोचा सी कल्याणी मल्होत्रा नाल मीटिंग होगी तो थोड़ा मज़ा चकावांगी बट एनीवेज जिस काम ले आई है पहले वो खत्म कर दिया सहज का फोन लेके निकलना है फटाफट चल ग्रेसी चल रात ऐवे लग रहा सी जिवें वो एक दूजे नूं जानदे होण पहला तो ही सही कह रही है तू जसी इत्थे की कर रही है तू मैं रहना लिया फोन दे मैनूं
हेलो महक, तू ये जसीत की गल्लां च नहीं पुत, एदी तां आदत ही इदां दी है, अग च घ्यो पांदा ना, बड़ा शौक है इहनूं। बीजी जस्सी बिल्कुल सही कह रही है, तुहाडी लाडली सहज इन्नी भी सिद्धी ते सही नहीं है जिन्ना तुसीं उहदे ते यकीन करदे हो। अर्च तो आ चुकी है पर हम किवें पता करा सहज का रूम केड़ा है। ये तो सहज का हस्बैंड है ना, जे इस रूम तो बाहर आया इट मीन सहज का वही रूम हो सकता है। हाँ वाह क्रिसी तेरी रिसर्च ते शिद्दत होना मनना पवेगा, तेन मल्होत्रास बारे कईयां तो ज्यादा पता है। थैंक्स टू अशोक जी। जसी मैं तेनू कहा सी ना ये गल इत्थे ही छड़ दे। ओ प्लीज बीजी थोन तो कुछ है नहीं, पर मैं सब कुछ महर दीदी की टेंशन च कर रही हूं। जसी तेन इन्नी फिक्र होंगी ना जस्सी तो तू कुछ सोच दी, पर तू तो जो करना से वो तू कर दिता। पता नहीं हूँ महर दी इसनू लैके उत्थे की सीन क्रिएट करेंगे। मैनू तो लगता है महर दी ना हौली हौली मम्मी वर्गे बंदे जा रहे ने। की बकवास कर रही है सिमी तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जस्सी, तेनू पता है इस घर नू मम्मी क्यों कंट्रोल कर पाए? क्योंकि उन्होंने अगे सहर दी ने कभी अपना बंदा हक नहीं मंगया, पर उत्थे ना महर दी दे सामने कल्याणी मल्होत्रा है, कदी भी महर दी नू उन्हां दी मनमानी नहीं करन देंगे। इंटरोगेशन दा टाइम ते उन्हें तेरे ना कोई मिसबिहेव तां नहीं किया, हाथ तां नहीं चक्किया से उन्हें तेरे ते? सहज नहीं वीरा, समझ आई? जे मेरी गल मान रहा होया तां ये चुप रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि वो दसेगा। कुछ पूछ रही है विक्रम मैं तेरे तो? हाथ चक्के से दिए उन्हें मेरे ते। What? मैनू नहीं लगता कि अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर पा रहे। आई एम श्योर कि ये मेरा सच दस ही देगा उन्होंने। तेरे को उस कुड़ी का नंबर है ना, कॉल कर उन्हें। विक्रम आई सेड कॉल हर। कॉल हर। बारों की बज रही है। छड्डो ना दी, मैनू लगता नहीं इत्थे कोई हैगा। जे वीरा होंदी तां उन्हें एवें लुकना थोड़ी ना सी। इसी तां वीरा ही थी, बट मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि ये सहज बन के भी मेरे लिए खतरा है ते वीरा बन के भी। एंड आई एम श्योर यही बार खड़ी होकर साड़ी गल्लां सुन रही होएगी।
नहीं विक्रम, आई एम श्योर कि थे कोई ना कोई तो सी। एक मिनट छड्डो ना दी, मैं लगता नहीं कोई हैगा, तुसी छड्डो ना, थानू भुलेखा पिया। अच्छा फिर मैं चलदा फिर दीदी। खाली रूम देख के लग गया सी लक मेरे नाल है, पर नहीं, जिस सहज इतने नहीं तो फोन इतने क्यों होगा? वो तो अपने नाल रखेगी ना, की करा कि लवा वो फोन। थोड़ी देर जो होर होंगी ना तो जसी रंगे हाथ फड़े जाना सी, अज उन्होंने पता लग जाना सी कि मैं ही सहज थे, मैं ही वीरा। हूँ कल्याणी दी तो आने तो पहला पहला ना सू इतों निकलना चाहिए। सब क्यों हो रहा है थे? तो उसे दोनों थे की कर रहे हो? हाँ, ओ कुछ नहीं दी, बस ओ कबीर तेनु कोई कॉल आई से सहज होने? नहीं मैंने तो कोई फोन नहीं आया। क्यों कोई फोन नहीं आ रही? की हुआ? अच्छा पर तू तो चली गई सी ना? ओ हाँ जी, एक्चुअली ना कबीर मैंने मिस कर रहा सी, तू भी ना कबीर। अच्छा पर चलते हैं, बाय दी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, कोई तो इदा का झूठ है जिदे उत्ते दोनों पर्दा पाने की कोशिश कर रहे। अदरवाइज सहज तादी कुड़ी तो नहीं है जो ओपनली रोमांस करे। सहज सही होंदी है ना तो अख च अख मिला के गल करती है, नज़र चला के भजन वाली तो सहज है नहीं। बाल बाल बच गए, वरना क्यों है? भजन नालों सामने खड़े होके फेस करना ही बेटर है। वैसे भी इतों भज के तो गल बननी भी नहीं है, फोन तो लेके ही जाना पैना है मैनू। व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुसी ग्रेसी सूर्य हो ना, तुसी साडे रूम च की कर रहे हो? वाओ, मैनू नहीं पता सी मैं इन्नी फेमस है कि तू मैनू देख दे पहचान लेगी। एक्चुअली नहीं, जिस घर च रह रही है ना उस घर के दुश्मनों का पता करना जरूरी है ना ग्रेसी? और रियली तेनू लगता मैं दुश्मन हाँ? I'm asking again, what are you doing here? Don't worry, मैं इतने चोरी करन नहीं आई, कुछ लैन नहीं आई, कुछ देन आई। की देन आई? नाले बिना परमिशन किसी रूम च कैसे आ सकते हो? जिम्मे तुसी इतने बैठे हो इस रूम च इस घर च, बिल्कुल उदा ही हक तो इदा जता रहे हो जिम्मे थोड़ा ही घर हो। इस घर का असली वारिस है ना तू?
आई नो नहीं है, पर नहीं है ना तो गल पुली ना। जिवें तुसी गया ना तुहानू इस घर बारे ज्यादा पता है, मेरा भी सेम सीन है। मैं मल्होत्रा बारे सारी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। मैनू पता लग गया कि इत्थे एक होर ब्याह होने वाला है, एंड वो ब्याह कोई होर नहीं बल्कि कल्याणी मल्होत्रा करा रही है। सो मैं सोचा थोड़े लिए कुछ लेके आवां। टिकट से होटल रिजर्वेशन एक ही है। ये मेरा बैकअप प्लान है। मैंने लगा सी कि जे फड़ी गई तब की कहांगी। थानू तो पता ना कि मेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी है, सो मेरे लिए एयर टिकट्स होटल बुकिंग आसान काम से है। पर एक इसलिए गिफ्ट है होर की। मैं थानू कहा ना सानू थोड़े तो कुछ नहीं चाहिए। जो इस घर का दुश्मन साडा भी दुश्मन। कमाल होगी, मैं थोड़े ब्याह की खुशी में इन्ना बड़ा पैकेज बुक कराया तो तुम मैं दुश्मन कह रहे हो। कि है ना साढ़े इतने रिवाज होंगे जो तीह भी आती है तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्याणी तो फिर किसी होर की तीनों प्या रही है, कॉन्ट्रीब्यूट करना तो बनता है ना। ट्रेसी सानू तेरे कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है ग्रेसी। तो जो तू कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहनी है ना एक मिनट के अंदर अंदर मेरे घर चो तफा हो जा। तो जो जिंदगी भर मेरी फैमिली के आले दुआले भी नज़र ना आई ना ग्रेसी तो तेरा मेरे उत्ते बहुत बड़ा एहसान होएगा। बाय द वे तन्ने इस घर में किसी ने इनवाइट तो किया नहीं होना। सो जस्ट शट अप। पर कल्याणी मैं तो सिर्फ सहजन कबीर नाल गल कर रही थी। वो तेरी फैमिली कद तो हो गए। की जिंदगी है यार कल्याणी तेरी। पहला सौरभ नू लेके इन्ना पोजेसिव होंदी सी, हुण किसी नू भी लेके पोजेसिव हो जाती है। सैड कितने घर दे नाल नाल अपने दिल च जगह तो नहीं दिती इन्हां नू। फैमिली टुटने के दुख से इन्हों अपना तो नहीं मान लिया तू। शट अप ग्रेसी। हाउ डेयर यू। अपना कचरा ले मेरे घर से बाहर निकल जा राइट नाउ। मैं कदे नहीं भूलांगी ये चीज। तेनू तो मैं बाद से देख दिया कल्याणी। जब टाइम चंगा होता है तो दुश्मन भी अपने फेवर च काम करते हैं। थैंक यू कल्याणी, तेरे गुस्से करके मेरा काम इजी हो गया। एक मिनट। आई थिंक मैनू लगता है कि तुसी इस कचरे दे नाल ना मेरा फोन भी लेके जा रहे हो। देखने ही सीधी जी लगती है पर नज़र तो कुछ ज्यादा ही शार्प है दी। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी। गेट आउट ग्रेसी। मेरे घर के अंदर मेरी परमिशन तो बिना एक किवें आ सकती है। काम डाउन दी। असी वैसे भी उदा हनीमून पैकेज एक्सेप्ट नहीं करना सी। तो मैंने वैसे भी पता ही सी
पर मैं इस कुड़ी नू एक मिनट दे ले भी अपने घर विच बर्दाश्त नहीं कर सकती। इहदी आवाज सुनदे मैनू तक्के मार के घरों बाहर कढ़न आई सी। बाकी रही गल थोड़ी, जिहड़े अपने सुहाग रात वाले दिन में कल्ले कल्ले सुते सी, उन्हां दी जिंदगी च हनीमून दा की फायदा? तुसी दोनों ने जो झूठ का पर्दा फैलाया हुआ है ना, मैं चुक के रहांगी। What? ग्रेसी तो नहीं होया मतलब? कितना कढ़ांगे उन्हें? सहज हर बारी मेरे राह आके खड़ी हो जाती है, कदे सहज बन गए ते कदे वीरा। इस बार ते कामयाब नहीं होया मैं, पर अगली बार जरूर होके रहूंगा। एक बारी मेरे सिर तो ना इन्वेस्टिगेशन वाली तलवार हट जे, फिर देख मैं तेरा की हाल करता।